Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन था वो हमने पढ़ा, फिर उसकी जो दो टाइप्स थी लीनियर और वॉल्यूम वो पढ़ा हमने। तो अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसके न्यूमेरिकल भी कर दिए थे हमने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि थर्मल एक्सपेंशन यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो हमारे पास एप्लीकेशन पे यूज़ होगी, वो है हमारे पास बाय मेटेलिक स्ट्रिप। अब ये जो हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये होता क्या है, इसका काम क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो आप नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि बाय है, बाय मीन क्या होता है, टू, और मेटेलिक मीन कोई भी मेटल हो हमारे पास, स्ट्रिप मतलब जोड़ना। अब हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूं होती है कि हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक होता है हमारे पास, एक है हमारे पास ये वाला जो है वो आयरन का है और ये ब्रास का है या कोई भी है। जब हम इन दोनों को जॉइंट कर लेते हैं, फिर हम इनको हीट कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो अब इनके साथ क्या होगा? तो पहले हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन में कि जब भी हमारे पास कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट हो, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, लेंथ में इजाफा हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बजाय इसके कि इसकी लेंथ बढ़े, ये मेल्ट होके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेल्ट क्यों होगा, ये भी एक वजह है, मेल्ट इसलिए होगा कि इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, एक हमारे पास आयरन लगा हुआ है, दूसरा हमारे पास ब्रास लगा हुआ है। अब आयरन अगर जल्दी एक्सपेंड होता है तो ब्रास नहीं होता, तो जिसकी वजह से दोनों की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस नीचे की तरफ मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट हमारे पास जॉइंट होते हैं, जब उसको हम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बजाय एक्सपेंड होने के मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब स्टूडेंट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है वो आती है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, ये हमारे पास एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को एक ही जगह पे फिक्स करके रखती है, यानी एक जगह पे फिक्स हो जाता है कि इससे ना ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा या ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, ऐसा होता है। अब देखें आप इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब मेरे पास जैसे कि मैंने बायोमेटेलिक स्ट्रिप पढ़ा अभी अभी, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है हमारे पास, यानी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास जॉइंट करके लगाए हुए हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, सही है। अब इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये हमने पढ़ा था कि बायोमेटेलिक यहाँ पे होगा, जहाँ पे बायोमेटेलिक लगा होगा वो हमारे पास मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी साइज यहाँ से कुछ यूँ इसकी शेप बन जाएगी। तो अब हमारे पास जो फ्लो ऑफ टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा, यानी अब एक नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे पास ये, जब हमने इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो वो मेल्ट होना यानी स्ट्रिप करना स्टार्ट कर जाएगा, करंट को रोक लेगा, आगे सप्लाई नहीं करेगा, ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो मेंटेन रहेगा टेम्परेचर। अब जब हमारे पास उसकी जो है वो दोबारा से ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होने लग जाएगा, तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हमारी जो है वो बराबर हो जाए टेम्परेचर कितना चाहिए हमें। इसकी एग्जाम्पल आप ये ले लें कि जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं, उनको भी क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स होता है कि इतना टेम्परेचर देना है हमने, उससे ज़्यादा हो जाता है वो ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, जब उसको ज़्यादा नीड होती है कूलिंग की तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास इस्त्री जो होती है, हम इस्त्री करते हैं तो उसको भी हमने एक नॉर्मल रेंज में रखा होता है कि हमने इतनी हीट देनी है, उसके उससे ज़्यादा नहीं हो, तो जब ही वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचता है तो वो इस्त्री ऑटोमेटिक स्ट्रिप हो जाती है,
और हमारे पास टेम्परेचर वहीं पे मेंटेन रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है तो दोबारा से फिर ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, तो हमारे पास टेम्परेचर देना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास थर्मोस्टेट, ये आप लिख लें, इसको याद रखिएगा, फिर हम टांके अपने नेक्स्ट करते हैं, आप इसको नोट। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की, वो है हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की नॉर्मल डिफिनेशन क्या होती है, थर्मोमीटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितना हॉट या कोल्ड है। पर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है उसको हम करंट के रोक के लिए भी स्टार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये देखें, एक हमारे पास स्केल लगा हुआ है, डिजिटल स्केल है, हमने इसको थर्मामीटर से कनेक्ट किया, उस पर जो है वो बाइंडिंग लगी हुई है। तो अब हम ये क्या होता है कि ये रोकता है करंट को, कि हमें जितना हीट चाहिए होती है या करंट चाहिए होता है उसके मुताबिक होता है। उसके बाद अब हमने इसको जो है एक नॉर्मल रखा हुआ है कि हमने 30 सेल्सियस ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो ये इस पे स्केल लगे होते हैं, यहाँ पे इसकी नीडल होती है। तो ये जब जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 30, तो ये जब करंट यहाँ से होता हुआ 30 पे आता है तो इसकी बाइंडिंग कंस्ट्रक्ट होना यानी कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे वो जो ऊपर इसका कनेक्शन होता है उससे दूर हो जाती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर सप्लाई नहीं होता और जो उसका जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसी पे मेंटेन रहता है। अब जब ये इससे यानी कनेक्शन इसका हट जाता है तो जाहिर है फिर वो दोबारा से हॉट होना स्टार्ट हो जाती है, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। जब एक नॉर्मल रेंज रखी हुई थी हमने कि भाई 20 तक जाना है, जब 20 से नीचे 19 की तरफ आती है तो दोबारा से ये एक्सपेंड होके अपनी जगह को रीयूज कर लेती है और टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन थी, एक हमारे पास थर्मोस्टेट है, एक थर्मोमीटर है, ये दोनों हो गई हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एप्लीकेशंस कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। आप इसको देख लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।